ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज डाल देती हूँ, जिसे मेलन सीड्स भी कहा जाता है। 1/4 कप काजू, ये जावित्री है, इसमें से मैं केवल ये 3 पंखुड़ियाँ ही ले रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हम इतना ही यूज़ करेंगे। सारी सामग्री को आधा मिनट के लिए रोस्ट कर लेती हूँ। मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर रोस्ट कर रही हूँ। 1 मिनट हो चुका है और सारी सामग्री अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ। हमें केवल इतना ही इसे भूनना है। बंद करने के बाद में मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देती हूँ। कसूरी मेथी को हम लास्ट में ही इस प्रकार से डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छन तैयार हो चुका है, इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ। छन ठंडा हो चुका था, मैंने इसे मिक्सर के जार में डाल दिया है। मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मैं इसे पल्स मोड पे पीसूंगी, जिससे ये बहुत ही अच्छा पाउडर फॉर्म में तैयार होगा। हमें इसे लगातार चर्न नहीं करना है। मैंने मिशन को पीस लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देती हूँ। 3 टेबलस्पून टमाटो पाउडर। टमाटो पाउडर कैसे घर पे तैयार करना है वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मैंने वो ही यूज़ किया है। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन नहीं तो कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून प्याज का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक। मैं नमक की मात्रा थोड़ी सी कम रखती हूँ, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं और कई लोग बहुत कम नमक खाते हैं, तो नमक का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का उपयोग किया है, जो बिल्कुल ही तीखी कम होती है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आप तीखी वाली मिर्च यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा। मिर्च से रंग बहुत ही बढ़िया आता है सब्ज़ी में, इसलिए हम 1.5 टेबलस्पून डालेंगे। यहाँ पे ये जो तंदूरी कलर आता है, जो सब्जियों में यूज़ होता है, वो लिया है। मैं 1 चुटकी डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर हम बाहर जैसे प्रीमिक्स मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार करने वाले हैं, इसलिए मैं इसके अंदर 1 चुटकी डाल रही हूँ। मैं सारी सामग्री को ग्राइंड कर लेती हूँ। मिश्रण अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और मिक्स हो चुका है, मैं इसे बोल में निकाल लेती हूँ। सारा मिश्रण बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देती हूँ। कसूरी मेथी डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर इस प्रकार से डालने से सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। रेड ग्रेवी प्रीमिक्स बनके तैयार है दोस्तों। आप इस प्रकार से इसे बॉटल में भर के 3 महीने बाहर और 6 महीने फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप इसे स्टोर करें, तभी एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कीजिएगा, जिससे ये बहुत ही लंबे समय तक फ्रेश और बढ़िया रहेगा। रेड ग्रेवी प्रीमिक्स बनके तैयार है। हमने अभी जो रेड ग्रेवी प्रीमिक्स बनाया था दोस्तों, ये पूरा 2 कप नहीं है, 2 कप के अंदर थोड़ा सा प्रीमिक्स ये कम है। नीचे प्लेट के अंदर जो 1 कप पूरा प्रीमिक्स मैंने लिया था, उसमें से मैं 1 चम्मच इसमें डाल देती हूँ। अब ये कम्प्लीटली हाफ हो चुका है। ये जो हमने 1 कप लिया है, उसको मैं मिक्सी के जार में ले लेती हूँ। आपको 1 प्रीमिक्स में से 2 सब्जी सिखाने वाली हूँ, इसलिए हम इसका आधा प्रीमिक्स ही अभी यूज़ करेंगे, और दूसरा वाला जो प्रीमिक्स है उसमें से मैं दूसरी सब्जी आपको सिखाऊंगी। प्रीमिक्स के अंदर मैं 1 कप दूध डाल देती हूँ। मैंने वही कप के अंदर 1/2 कप पानी लिया है, वो ऐड कर देती हूँ। दोस्तों हर एक प्रीमिक्स को अलग अलग तरीके से डाइल्यूट किया जाता है, तो ये प्रीमिक्स के अंदर हमें केवल 1 ही कप दूध लेना है। मैं इसे मिक्सर में चर्न कर लेती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हुआ है और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसमें से सब्जी सिखा देती हूँ। मैंने पैन के अंदर 1 टेबलस्पून बटर ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ।
इसके अंदर मैंने एक कप प्याज और कैप्सिकम लिया है। ये प्याज और कैप्सिकम दोनों मिला के एक कप है। तो कैप्सिकम को मैंने इस प्रकार से लंबा लंबा कट किया है और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे हमारे वेजिटेबल जल्दी कुक हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुका है और वेजिटेबल कुक हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पनीर और टमाटर डाल देती हूँ। पनीर को मैंने 150 ग्राम पनीर था उसको लंबा लंबा कट कर लिया है और मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, उसे भी लंबा कट कर लिया है। सारी सामग्री को आधा मिनट के लिए सेक लेंगे। आधा मिनट हो चुका है और सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी हैं। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब यही कढ़ाई के अंदर हम सब्जी बना लेंगे। अभी मिक्सी के अंदर जो प्रीमिक्स तैयार किया था उसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर कुक कर लेती हूँ। मिनट हो चुका है और मिश्रण बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मलाई डाल देती हूँ। अगर आपके पास अमूल का क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने जो सब्जियाँ रोस्ट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दूंगी। सामग्री को आधा मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हरी सामग्री अच्छे से कुक हो चुकी है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून बॉइल्ड मकई के दाने डाल देती हूँ। दोस्तों ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। हमारी वेज अमृतसरी सब्जी तैयार हो चुकी है, इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। मैंने सब्जी को प्लेट में सर्व कर दिया है और ऊपर मैंने ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दिया है। हमारी रेड ग्रेवी में से वेज अमृतसरी बनके तैयार है जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है। अब मैं आपको रेड ग्रेवी प्रीमिक्स में से दूसरी सब्जी पनीर पसंदा सिखा रही हूँ। जो रेड ग्रेवी का आधा प्रीमिक्स था उसे मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है। उसके अंदर मैं 1 कप दूध डाल देती हूँ। मैंने 200 ml दूध लिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखे दोस्तों, हमारा मिश्रण बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं आपको इसमें से सब्जी सिखा देती हूँ। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1.5 टेबलस्पून बटर डाल देती हूँ और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून तेल भी डाल देती हूँ। इस प्रकार तेल डालने से बटर कभी भी जलेगा नहीं। इसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जब बटर इस प्रकार से थोड़ा सा गर्म हो जाए तब मैं इसके अंदर 1.5 कप कैप्सिकम, टमाटर और प्याज डाल देती हूँ। इस प्रकार से मैंने इसे बड़ी साइज में कट किया है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे हमारी सब्जी जल्दी कुक हो जाएगी। आधा मिनट हो चुका है और सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पनीर डाल देती हूँ। पनीर को भी सौते कर लेती हूँ। ये देखे दोस्तों, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से सौते हो चुकी हैं। इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ और यही कढ़ाई के अंदर हम सब्जी बना लेंगे। मैंने सारी सब्जियों को एक बोल में निकाल लिया है। अभी हमने जो ग्रेवी तैयार की थी उसे मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर देती हूँ। मिक्सी के जार के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो भी मिश्रण लगा है उसे निकाल लेंगे। उसे भी मैं कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ और इसे मीडियम आंच के ऊपर कुक कर लेंगे। आधा मिनट हो चुका है और मिश्रण बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून क्रीम डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे जो अमूल का क्रीम आता है वो लिया है, पर अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप वो भी ले सकते हैं। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर हमने जो सारी सब्जियां सौते की थी वो डाल देती हूँ। हमारी पनीर पसंदा सब्जी बनके तैयार है। मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल रेस्टोरेंट में मिलती हुई सब्जी की तरह हमारी सब्जी तैयार हुई है। ऊपर मैं थोड़ा सा क्रीम डाल देती हूँ। बारीक कटा हुआ धनिया से सजा देंगे।
हमारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस पनीर पसंदा सब्जी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने सारे घर वालों को खुश कर दीजिए।